हेलो दोस्तों, वेलकम टू देव एमटीआर। आज मैं डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूं 2023 न्यू लॉन्च बजाज पल्सर N160 ड्यूअल चैनल ABS को न्यू लॉन्च यामाहा MT-15 वर्जन 2.0 ड्यूअल चैनल ABS से। दोनों की ऑन रोड कीमत में 45,000 का अंतर है। कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी वैल्यू फॉर मनी है, दोनों के फीचर्स, माइलेज, टॉप स्पीड कितनी है, पावर और परफॉर्मेंस आपको किस में ज़्यादा मिलती है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पल्सर N160 से। तो इसमें आपको मिलते हैं हेलोजन वाले थोड़े से फ्लेक्सिबल इंडिकेटर। इसका जो वाइजर है वो आपको ड्यूअल टोन कलर में मिलता है। हेडलाइट सेक्शन की बात करें ऊपर में LED, यहाँ पर आपको DRL मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको वाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। तो पूरा का पूरा इसमें जो है वो कंपनी ने एक ट्रांसफॉर्मर जैसा लुक प्रोवाइड किया है। MT-15 में भी आपको ऊपर में आई सेफ LED DRL मिलते हैं, नीचे में आपको LED प्रोजेक्टर का सेटअप मिलता है और सबसे अच्छी बात इसमें आपको LED वाले टर्न फ्लैशिंग इंडिकेटर मिल जाते हैं। इसमें भी आपको थोड़ा सा रोबोटिक टाइप का लुक दिया है। N160 के फ्रंट में 37mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं जिसमें 31mm का ट्रेवल दिया गया है। ये जो आगे वाला मडगार्ड है, आगे में ग्लॉसी रेड 3-टोन कलर के ग्राफिक्स, पीछे में मैट ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो ये बाइक ड्यूअल चैनल ABS के साथ आती है जिसके आगे में 300mm की डिस्क मिलती है, क्रेमिका के कैलिपर मिल जाते हैं और 180/17 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है 17 इंच के एलॉय व्हील के साथ। MT-15 का जो आगे वाला मडगार्ड है वो आपको सिंगल पीस मैट फिनिश में मिलता है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि इसमें आपको 37mm के USD अप साइड डाउन फ्रंट फॉर्क मिल जाते हैं गोल्डन कलर के। ये भी बाइक ड्यूअल चैनल ABS में आती है। फ्रंट में 282mm की डिस्क, 180/17 का ट्यूबलेस टायर और इसमें आपको वाइब्रे के कैलिपर मिल जाते हैं और इसके आगे और पीछे में आपको 70 इंच के रेड कलर के एलॉय दिए गए हैं। N160 का जो पेट्रोल टैंक है वो आपको ग्लॉसी रेड कलर और मैरून कलर के ग्राफिक्स के साथ मिलता है जो कि फुल मेटल बॉडी में है। 14 लीटर की कैपेसिटी है और ऊपर में काउल के ऊपर में पल्सर का 3D में लोगो और नीचे में मैरून कलर और यहाँ भी आपको सिल्वर और ग्रे कलर के ग्राफिक्स मिलते हैं। ये जो काउल वाला हिस्सा ही आपको फाइबर बॉडी का मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको मोबाइल को चार्ज करने के लिए USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है। देखा जाए तो कम कीमत में ये बाइक आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करती है, लेकिन वहीं पर जो MT-15 का जो टैंक है इसके साइड में यामाहा का लोगो, MT-15 के स्टिकर, ये जो काउल वाला हिस्सा है और ये जो पेट्रोल टैंक वाला पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो आपको फुल फाइबर बॉडी में मिलता है। इसमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक और स्टाइलिश है। इसमें आपको USB मोबाइल चार्जिंग का कोई भी सपोर्ट नहीं दिया गया है। N160 में आपको सिल्वर कलर की नॉर्मल हैंडल बार मिल जाती है जो बहुत ज़्यादा आगे की तरफ नहीं है और इसमें आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल का सेटअप मिल जाता है जिसके सेंटर में आपको RPM मीटर एनालॉग में दिया गया है और साइड में आपको हेडलाइट, ऑयल इंडिकेटर, चेक इंजन, लो बैटरी, साइड स्टैंड, टर्न इंडिकेटर और हेडलाइट की वार्निंग और यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, क्लॉक मिल जाती है, फ्यूल गेज मिल जाता है और ऊपर में आपको गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर, ABS और RPM लिमिट की लाइट मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भी आपको रियल एवरेज इंडिकेटर मिल जाता है और इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी वाला फीचर्स भी मिलता है। इस बाइक की टॉप स्पीड है अधिकतम 127 किलोमीटर प्रति घंटे की और 1 लीटर पेट्रोल में ये बाइक आपको 47 km/L का आसानी से माइलेज निकाल कर दे देती है अगर आप इसको इकोनॉमी जोन में 50-60 की स्पीड में चलाते हैं। तो बाइक के जो मिरर हैं वो काफ़ी लंबे चौड़े मिलते हैं। यहाँ पर आपको पासिंग का बटन मिलता है, यहाँ पर अपर डिपर, इंडिकेटर और हॉर्न का बटन दिया गया है और बाकी जो क्लच है वो भी काफ़ी लाइट है। यहाँ पर आपको इंजन के नीचे में सेल्फ स्टार्ट, लेकिन वहीं पर यामाहा की MT-15 वर्जन 2.0 के इस 2023 न्यू मॉडल में भी आपको फुल डिजिटल मीटर मिलता है और इसकी जो चाबियां हैं ये आपको बेब की नहीं मिलती है, नॉर्मल चाबियां मिल जाती हैं और इसकी डिस्प्ले आपको R15 वाली मिलती है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको TCS ट्रैक्शन कंट्रोल वाला यहाँ पर आपको फीचर्स मिलता है जिसके नीचे में चेक इंजन की लाइट, ऊपर में गियर न्यूट्रल इंडिकेटर और साइड में ABS और हेडलाइट, टर्न इंडिकेटर, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, RPM मीटर मिल जाता है और इसमें आपको BBA टेक्नोलॉजी मिल जाती है और यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, ओडोमीटर, ट्रिम मीटर मिल जाता है। बाकी इसमें भी आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है और ये बाइक 6-स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। इसमें आपको TCS अभी इसका ऑन है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है और इसमें आपको SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट जैसे यहाँ पर आपको फीचर्स मिलते हैं
और ये बाइक 138 की टॉप स्पीड तक चली जाती है। 1 लीटर पेट्रोल में 45 से 50 के बीच में माइलेज निकाल कर दे देती है। इसकी जो हैंडल बार है वो भी आपको नॉर्मल मिलती है। यहाँ पर इंजन के सेल्फ स्टार्ट और दूसरी साइड में आपको क्लच भी काफ़ी लाइट मिलते हैं। यहाँ पर आपको पासिंग अपर डिपर इंडिकेटर और हॉर्न, इसके जो बार एंड हैं वो आपको छोटे छोटे मिलते हैं। इसके जो मिरर हैं वो भी थोड़े से छोटे हैं। अभी आप सुन सकते हैं बजाज पल्सर N160 का साउंड। ये है इंजन साउंड। तो आपको इसका साउंड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ये है वर्जन 2.2 का साउंड। पल्सर N160 में आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है काफ़ी अच्छी कुशन के साथ। इसकी सीटें जो काफ़ी लंबी हैं, चौड़ी हैं और जिन पर दो लोग आसानी से बैठ सकते हैं। और सीट काउल के ऊपर में N160 का स्टिकर दिया गया। 795 mm की सीट हाइट मिलती है। पीछे में स्प्लिट वाले यहाँ पर आपको ग्रैब रेल मिलते हैं और स्प्लिट LED टेल लाइट का सेटअप मिलता है जो कि क्रिस्ट लाइन वाला दिया गया। हेलोजन वाले टर्न इंडिकेटर हैं। पीछे जो मडगार्ड है वो आपको स्पोर्टी लुक में मिलता है दोस्तों। MT15 में 810 mm की सीट है और इसके सीट के अंदर की जो कुशन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। राइडर वाली सीट आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिलती है और इसमें आपको पाइप वाले मेटल फिनिश के यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलते हैं। स्प्लिट में LED वाली टेल लाइट मिल जाती है। LED वाले टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। N160 के रियर में आपको 230 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। पीछे भी आपको ABS दिया जाता है सेफ्टी के लिए। 130/70/17 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। 130 mm पीछे वाले टायर की मोटाई है। यहाँ पर आपको टायर हगर मिल जाता है और रियर में मोनोशॉक विद नाइट्रॉक्स टाइप का यहाँ पर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है जो गड्ढे में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। एडजस्टेबल फुटपैक्स मिल जाते हैं। इसका जो साइलेंसर है ये आपको मिलता है अंडर वैली टाइप का जो कि इंजन के नीचे वाले हिस्से में प्लेस किया है। MT15 का जो पीछे वाला टायर है ये आपको 140 mm का चौड़ाई के साथ मिलता है जो कि काफ़ी वाइड टायर है। और पीछे में 140/70/8/17 का रेडियल ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। अगर आप इससे कॉर्नरिंग वगैरह करते हैं तो कोई भी स्किड की प्रॉब्लम नहीं आती है। पीछे में 220 mm की डिस्क मिलती है। पीछे भी आपको ABS मिल जाता है रेड कलर के अलॉय व्हील के साथ में दोस्तों। इसके जो साइड बॉडी पैनल है ये आपको प्लास्टिक के, ये है इसका डेल्टा बॉक्स फ्रेम। इसके जो फुटपैक्स हैं वो आपको थोड़े से पीछे की तरफ मिलते हैं और बाइक का जो एग्जॉस्ट है ये आपको 3-टोन कलर में दिया गया है जो कि R15 से इंस्पायर है। N160 के इंजन की तरफ चलें तो ये जो सिल्वर वाला हिस्सा है ये आपको फाइबर का दिया है, मेटल का नहीं है। ये भी पैनल आपको फाइबर बॉडी के मिलते हैं। ये जो फुटपैक्स हैं वो आपको थोड़े से पीछे की तरफ और थोड़े से ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। DTSI ट्विन स्पार्क वाला इंजन है। इसमें आपको किक नहीं मिलती है। यहाँ से आप इंजन ऑयल की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। ये है ऑयल कैप। यहाँ पर आपको ड्यूअल हॉर्न मिलता है। इसमें आपको सिलेंडर हेड के दोनों तरफ दो स्पार्क प्लग। ये जो इंजन है ये आपको मिलता है ऑयल कूल्ड टेक्नोलॉजी वाला। इसमें 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। इसमें 164.82 cc का ऑयल कूल्ड 4-स्ट्रोक 2 वाल्व वाला DTSI ट्विन स्पार्क FI इंजन दिया है। ये इंजन 16 PS की मैक्स पावर देता है 8750 RPM पर। 14.65 Nm का टॉर्क पैदा करता है 6750 RPM पर दोस्तों। ये जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है पल्सर सीरीज के अभी तक के इंजन से। MT में 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती। बाकी ये इसका इंजन गार्ड और इसमें 850 ml इंजन ऑयल को डाला जाता है। इसमें भी आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता। यामा की ब्रांडिंग दी गई है। बाकी इसका जो इंजन है ये आपको मिलता है लिक्विड कूल्ड वाला जिसमें कूलेंट को डाला जाता है इंजन को ठंडा करने के लिए। इसमें 155 cc का लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक 4 वाल्व वाला BS6 FI इंजन है। ये इंजन 18.4 PS की मैक्स पावर देता है 10,000 RPM पर। 14.1 Nm का टॉर्क पैदा करता है 7,500 RPM पर। इसमें आपको 2.5 PS की पावर ज़्यादा मिलती है लेकिन इसमें आपको 0.6 Nm का टॉर्क N160 से कम दिया है। N160 का कर्व वेट है 154 kg और थोड़ा हैवी होने की वजह से ये बाइक एकदम रोड से चिपक के चलती है। यहाँ पर कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड दिया गया। ये है इसका क्रैश गार्ड जो कि अभी असेंबल नहीं है। ये सभी चीज़ें आपको कंपनी फिटेड मिलती हैं। यहाँ से आप इसके टायर के प्रेशर को चेकआउट कर सकते हैं। ये हैं पिलियन के एडजस्टेबल फुटपैक्स। इसमें आपको 5-स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप मिल जाता है। पहला गियर ऊपर से नीचे डाला जाता है और 4 गियर ऊपर की तरफ डाले जाते हैं। और इसमें साइड स्टैंड इंजन ग्रॉप सेंसर मिलता है और साथ में आपको टॉर्क ऑन डिमांड फीचर्स दिया है। MT15 का कर्व वेट है 139 kg और थोड़ा सा हल्का होने की वजह से ये बाइक काफ़ी जल्दी स्पीड पकड़ लेती है। यहाँ पर कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड, ओपन चेन सेट कवर मिलता है। ये है इसका स्विंग आर्म, एडजस्टेबल
फुटपैक्स आपको मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, R15 वाला इंजन दिया है जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देता है। इसमें साइड स्टैंड आपको मिलता है, मेन स्टैंड नहीं दिया गया है। तो अब बात करें दोनों बाइक के प्राइस के बारे में, तो पल्सर N160 ड्यूअल चैनल ABS की ऑन रोड प्राइस है 1,58,200 रुपीज़, और यामाहा MT-15 वर्जन 2.2 ड्यूअल चैनल ABS की ऑन रोड प्राइस है 2,03,600 रुपीज़ कोलकाता में। अब बात करें कि दोनों बाइक में से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। अगर आपका बजट टाइट है, 1,60,000 से ऊपर आप एक रुपये भी खर्च करना नहीं चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लुक और काफ़ी अच्छी रोड प्रेजेंस वाली बाइक चाहिए तो आप N160 को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी बाइक है मेरे हिसाब से। अगर आपका बजट ठीक ठाक है, अगर आपको ज़्यादा पावर परफॉर्मेंस वाले हैं, तो फिर आप MT-15 ड्यूअल चैनल ABS ले सकते हैं, ये भी अच्छी है।